NCERT solution chapter 2 units and measurement question number 7. A student measures the thickness of human hair by looking at it through a microscope of magnification 100. He makes 20 observations and finds that the average width of the hair in the field of view of microscope is 3.5 mm. What is the estimate on the thickness of the hair? ओके तो अपने पास एक ह्यूमन हेयर है, ठीक है, मान लो ये हेयर है, इसको क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं और कितना मैग्नीफाई कर रहे हैं, 100 मैग्नीफाई कर रहे हैं और अपने वहां से क्या मिल रहा है, 3.5 एमएम, 20 ऑब्जर्वेशन का मीन है ये कितना, 3.5 एमएम। तो जैसे ये हेयर है, ठीक है, अब इसको अगर आप जूम करके देखोगे तो ये आपको बड़ा दिखेगा, राइट, अगर आप स्क्रीन को जूम करोगे तो ये बड़ा दिखेगा। अगर आपने 100 टाइम जूम किया यानी 100 मैग्निफिकेशन 100 टाइम किया तो आपको कितना दिखा, 3.5 एमएम, यानी इसका मान लो विड्थ है वो एक्स है और इसको आपने क्या किया, 100 टाइम जूम कर दिया, ठीक है, तो आपको कितना दिखा, 3.5 एमएम दिखा। तो इसका विड्थ कितना होगा, इसका विड्थ होगा एक्स 3.5 अपॉन 100 एमएम, राइट, या फिर मैं बोल सकता हूँ 0.035 एमएम, ये आपका विड्थ होगा, राइट, विड्थ क्या होगा, 0.035 एमएम। ओके, अब ये आपका ओरिजिनल विड्थ होगा किसका, ह्यूमन हेयर का, और ये क्या है, ये मैग्निफिकेशन के बाद आ रहा है 3.5 एमएम। आपको इस क्वेश्चन के चक्कर में मेरे एक बाल की कुर्बानी देनी पड़ी।